ये मोदी के काफिले का हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो गया। पीएम मोदी के काफिले का हेलीकॉप्टर कीचड़ में धंस गया। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी खूब ताकत लगा रहे हैं। रैली और रोड शो के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी कर्नाटक के रायचूर पहुंचे थे। पीएम मोदी को रायचूर जिले के सिंधनूर में जनसभा कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी के साथ आया सेना का एक हेलीकॉप्टर मिट्टी में धंस गया। ये उसी की तस्वीरें हैं। पीएम के हेलीकॉप्टर के साथ सेना के दो और हेलीकॉप्टर साथ चलते हैं। सिंधनूर जनसभा के बाद पीएम को लेकर आए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, उसके साथ दूसरे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन तीसरे हेलीकॉप्टर की जब बारी आई तो वो मैदान के कीचड़ में धंस गया, जिसके चलते वो उड़ नहीं पाया। काफी देर मशक्कत के बाद जब मिट्टी में धंसे हेलीकॉप्टर को निकालने में कामयाबी नहीं मिली तो फिर स्टैंड बाई में रखे हुए हेलीकॉप्टर को पीएम मोदी के काफिले के साथ रवाना किया गया, जिसके बाद भी इस हेलीकॉप्टर को निकालने की मशक्कत की जाती रही। प्रधानमंत्री जिस MI-17 हेलीकॉप्टर से चलते हैं वो दुनिया के सबसे एडवांस एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टरों में शुमार है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कजान हेलीकॉप्टर्स ने किया है, जो रूस के कजान में रशियन हेलीकॉप्टर्स की एक सहयोगी है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर में किलमोप TV3-117VM या VK-2500 टर्बो शॉफ्ट इंजन लगा हुआ है। TV3-117VM अधिकतम 2100 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और 580 किलोमीटर रेंज। दो फ्यूल टैंक लगने के बाद इसे 1065 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स का केबिन काफी बड़ा होता है, जिससे यात्रियों के लिए दरवाजे और पीछे सेना और कार्गो के लिए एक रैंप होता है। ये 13,000 किलो का भार लेकर उड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।